लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन विद एरे मैथड्स वी ऑल नो के हम एरे के अंदर किसी भी वैल्यूज को उनकी आराम से सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग सॉर्ट फंक्शन लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है उसको देखते हैं अगर हमारे पास एक एरे हो जिसमें हमारे पास नुमेरिक वैल्यूज हों और उस पर हम सॉर्ट अप्लाई करें सो दिस इज एग्जाम्पल कि हमारे पास सॉर्ट का रिजल्ट इस एरे का ये आएगा वाई क्योंकि हमारे पास जो भी सॉर्टिंग है वो हमेशा स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास फोर जो है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो बड़ा है वन से सो दैट इज वाई वन पहले आएगा और फोर बाद में दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज प्रॉब्लम जो कि नॉर्मल है लेकिन हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सॉर्टिंग काम कैसे करती है सॉर्ट का फंक्शन जो है वो यूज करता है कंपेयर फंक्शन को हमारे पास एक कंपेयर फंक्शन होता है जो कि सॉर्ट यूज करता है किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए ये कंपेयर का फंक्शन हमें वैल्यूज रिटर्न करता है जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव जिसकी बेस के ऊपर सॉर्ट का फंक्शन डिसाइड करता है कि उसने इस वैल्यू को पहले लेना है या बाद में रखना है इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम उस सॉर्ट फंक्शन को चाहें तो आराम से चेंज कर सकते हैं ओवर कर सकते हैं सॉर्ट के अंदर हमारे पास जो सॉर्ट का फंक्शन है उसके पैरामीटर में वो फंक्शन देकर इट कैन बी एनी थिंग दिस इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन जो कि हम नुमैरिक वैल्यूज पे भी ऑपरेट जो हम कर सकता है लाइक like हमारे पास सेम एरे है यहाँ पे पॉइंट्स की जिसमें नुमेरिक वैल्यूज हैं हमने यहाँ पे सॉर्ट के अंदर पैरामीटर में फंक्शन दिया है कंप्लीट फंक्शन जिसके दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी और जो कि हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है उनके कंपैरिजन के बाद इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर फंक्शन से सॉर्ट का फंक्शन जब भी दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा तो वो इस पर्टिकुलर सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर इस दो वैल्यूज को एज अ आर्ग्यूमेंट देगा ए और बी और इसमें हम यहां पर जो भी अपनी स्टेटमेंट लिखना चाहें उसके अंदर हम यहां पर कम्पेरिजन अपनी मर्जी की चेंज कर सकते हैं लाइक like, अगर हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड शॉर्टिंग हो तो फिर हम इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट माइनस सेकेंड आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो हमारे पास जो रिजल्ट देगा कोर्स दैट कैन बी नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव और उसी की वैल्यू की बेस पे सॉर्ट का फंक्शन डिसाइड करेगा कि इस वैल्यू को हमें पहले प्लेस करना है या बाद में रिमेंबर कि जब हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन में ए में हमारे पास 40 हो और बी में हमारे पास 100 हो तो हमारे पास जब सॉर्ट का फंक्शन काम करेगा तो वो इस पर्टिकुलर फंक्शन इन द ए और बी में उसने 40 और 100 पास किया की जो उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी 40 माइनस हंड्रेड रिटर्न नेगेटिव वैल्यू और जिसकी वजह से वो इसको फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करेगा कि इट विल बी इट इज लोअर देन द सेकेंड वन केस अगर हम इसको ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम सिंपली हम चाहें कि सॉर्ट का फंक्शन तो सेम काम करें लेकिन हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आए इसका असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो वी कैन सिंपली चेंज हम यहां पे इसको b माइनस ए कर देंगे तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस सिक्सटी के बजाय पॉजिटिव सिक्सटी में आएगा तो जब हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमारे पास जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट uh, है दैट विल बी कंसिडर एज अ हायर नंबर हम इसी तरीके से uh, अपने कंपेयर uh, फंक्शन को जिस तरह से चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को कंपेयर कंपेरिजन करने के लिए दिस इज द टिपिकल वन कि हमने आज इसमें देखा कि हम नंबर्स को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हम हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज हो तो वी कैन सिंपली यूज द स्टैंडर्ड फंक्शन विदाउट ओवर राइडिंग दिस कंपेरिजन फंक्शन इसी तरह हमारे पास एरे में एक और फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्कैट जो कि कॉन्कैट कॉन्केडनेट कर देता है दो किसी भी दो एरेज को एक साथ एग्जाम्पल देखते हैं इसकी हमारे पास दो एरेज हैं यहाँ पे माई गर्ल्स के नाम से और एक माई बॉयज के नाम से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरे के साथ कॉन्केट कर देते हैं सेकेंड एरे को यूजिंग कॉन्कैट मैथड तो इट विल सिंपली ज्वाइंट दो पर्टिकुलर दो टू एरेज और हमें एक तीसरी एरे जो है वो रिटर्न करेगा रिमेंबर ये उस पर्टिकुलर एरे के अंदर चेंज नहीं लाएगा बल्कि हमें रिजल्ट में वैल्यू देगा जो कि एक कॉन्कैटिनेट एरे होगी स्लाइसिंग एन एरे हम एरेज को इजिली स्लाइस कर सकते हैं यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ स्लाइस हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक कैरे है फ्रूट्स के नाम से जिस पे हमने स्लाइस का फंक्शन अप्लाई किया है दैट हैज टू आर्ग्यूमेंट्स पहला आर्ग्यूमेंट हमें बताता है कि कौन से इंडेक्स से हमने स्टार्ट करना है इसको लाइक like हमारे पास ये जीरो इंडेक्स पे है ये वन इंडेक्स पे है और यहां हमारे पास वन है फर्स्ट वैल्यू तो वो फर्स्ट वन से यहां से स्टार्ट करेगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स से बिकॉज इट इज वन और उसके बाद टोटल उसे बताते हैं कि टोटल वैल्यूज जो है जीरो से कितनी लेकर आनी है हमारे पास टोटल वैल्यू वन टू थ्री ये तीन वैल्यूज बनती हैं बिकॉज यहां पे हमने यहां पे इसके सेकंड आर्गुमेंट में थ्री दिया है तो पहली वैल्यू तो उसने यहां से उसने इसलिए जीरो जो है क्योंकि हमने उसे बताया था कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है और ये तमाम वैल्यूज जो है आगे तक की लेनी है तो वो हमें जो नेक्स्ट एरे जो रिटर्न करेगा इट विल कंटेन ओनली दीज वैल्यूज ऑरेंज एंड लेमन हेयर इसी तरह से अगर हम स्लाइस का फंक्शन यूज करें विध ओनली वन आर्ग्यूमेंट वट इट विल डू लाइक यहां पर हमने यूज किया है स्लाइस का फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट टू ये हमें हमें बताएगा कि हमें सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है दिस इज अवर सेकेंड इंडेक्स और क्योंकि हमने इसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो वो हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी रिटर्न कर देगा लाइक इन दिस केस दिस विल बी अवर रिजल्ट कि हमारे पास लेमन और एप्पल और मैंगो जितनी भी उससे आगे हमारे पास जितनी भी लंबी एरे होती वो तमाम हमारे पास रिजल्ट में रिटर्न हो जाती। सो दिस इज ऑल अबाउट एरे मेथड्स